सब मेमोरी ग्लैंड, पैनक्रियास, लीवर, गॉबलेट से लिया, फिर कह सकते हैं स्वेट ग्लैंड, किस टाइप की ग्लैंड के एग्जांपल हैं, तो इसे देखेंगे कि किस में आएंगे। तो जैसे मोड ऑफ सिक्रीशन के अकॉर्डिंग जो ग्लैंड है, मोड ऑफ सिक्रीशन के हिसाब से जो ग्लैंड है, एपोक्राइन ग्लैंड इपीक्राइन ग्लैंड एंड होलोक्राइन ग्लैंड में डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट देखते हैं कि इपीक्राइन ग्लैंड क्या होता है। तो जो इपीक्राइन ग्लैंड है, जैसे यहाँ पे फिगर से दिख रहा है कि जो ग्लैंड का स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, उसके जो प्रोडक्ट हैं रिलीज आउट हो रहा है। तो किस माध्यम से, किस कैसे रिलीज होते हैं, तो बाय डिफ्यूजन मेथड से रिलीज होते हैं। और इस ग्लैंड में, इपीक्राइन ग्लैंड में कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है, ग्लैंड में कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होता। तो कौन कौन सी ग्लैंड आएंगे इसमें, आता है पैनक्रियाज आता है, लीवर आ जाएगा, गॉबलेट सेल जो स्टमक में पाया जाता है, स्वेट ग्लैंड जो स्किन में होता है, और सेलेब्री ग्लैंड जो माउथ में होता है। तो एपीक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल हैं। उसी तरीके से जो एपोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जो एपोक्राइन ग्लैंड है इसमें क्या होता है कि जो ग्लैंड है, इसके जो ग्लैंड के कुछ पोर्शन, जैसे कि सेलुलर स्ट्रक्चर है, तो उसमें से कुछ पोर्शन, जैसे यहाँ पे सेल से बना हुआ है, और सेल के कुछ पोर्शन पिंच आउट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूट के किसके साथ, जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट है उसके साथ रिलीज आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से एपोक्राइन ग्लैंड में जो एपिकल पोर्शन होता है ग्लैंड का, वो टूटता है, पिंच आउट हो जाता है और सिक्रेट आउट होता है प्रोडक्ट के साथ। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चरल चेंज होता है ग्लैंड में, ठीक है। और एग्जांपल क्या होगा इसमें, मेमोरी ग्लैंड है, तो मेमोरी ग्लैंड आएगी इसमें। उसी तरीके से होलोक्राइन ग्लैंड, होलो यहाँ पे पूरी तरीके से जो ग्लैंड है बस्ट हो जाता है, होल ग्लैंड गेट बस्ट, फट जाता है, बस्ट एंड गेट रीजनरेटेड दोबारा बन जाता है। तो इस वाले में, होलो ग्लैंड में, कि ग्लैंड पूरी तरीके से टूट गया, बस्ट आउट हो गया और फिर दोबारा बन गया, तो इसमें कौन से आएंगे, इसमें आता है आपका सबमेंसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड जो होते हैं, ऑयल ग्लैंड होलोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल है। जैसे कि आप फिगर दिखा रहा है कि सेल्स पूरी तरीके से सिक्रीट आउट हो रही हैं और नया सेल्स यहाँ पे बन रहा है, जैसे न्यू सेल फॉर्म हो रहा है, सेल विथ सिक्रेटरी प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो सेल्स निकली है, जो आ रही है पुराने वाली सेल्स, वो रिलीज आउट होगी और आगे जाके बस्ट हो जाएगी, डिसइंटीग्रेटिंग सेल्स रिलीजिंग इट्स कंटेंट, जो प्रोडक्ट है वो रिलीज आउट कर देती है। तो इस तरीके से जो होलोक्राइन है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, एपोक्राइन हाफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसके कुछ पोर्शन, सेल्स के कुछ पोर्शन पिंच्ड ऑफ हो जाते हैं, और इपीक्राइन में कोई भी पोर्शन डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो जैसा कि तैसा रहता है इपीक्राइन में। तो इस तरीके से जो डिफरेंस है मोड ऑफ सिक्रीशन के हिसाब से, इपीक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन में डिफरेंसेस।